बोलना कुछ शुरू करते हैं और उसी बात को घुमाते रहते हैं जिलेबी की तरफ। ये एज का असर है कि दुनिया का नाश होने वाला है। मोबाइल का इस्तेमाल करने से लोग पागल हो रहे हैं। नमस्कार, मैं शुभम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। दरअसल जनता दरबार के दरमियान नीतीश कुमार का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिस पर की खूब सियासत तेज हो गई है। बता दें कि इसी कड़ी में जनसुराज के सूत्रधार यानी कि प्रशांत किशोर ने इस मसले को लेकर नीतीश कुमार पर जुबानी हमला बोला है। जी हां, उनका कहना है कि अब नीतीश कुमार की उम्र हो गई है और उनकी याददाश्त भी अब ठीक नहीं है। साफ तौर पे वो वीडियो देखने से यही पता चल पा रहा है। दरअसल बता दें कि एक वीडियो जनता दरबार का जो है वायरल हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार बातों को भूलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद अब प्रशांत किशोर को मौका मिल गया कि वो नीतीश कुमार को निशाने पर ले सके। तो प्रशांत किशोर ने नीतीश को निशाने पर लेते हुए क्या कुछ कहा है वो सुनिए। नीतीश कुमार को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उन पर उम्र का असर हो गया। बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। बोलना कुछ शुरू करते हैं और उसी बात को घुमाते रहते हैं जिलेबी की तरफ। उनको पता ही नहीं चलता है कि कह क्या रहे, फिर घुमा फिरा के उसी बात पर आ जाएंगे। आप किसी भी उनके पिछले एक साल के स्पीच को उठाकर देख लीजिए। ये एज का असर है कि दुनिया का नाश होने वाला है। मोबाइल का इस्तेमाल करने से लोग पागल हो रहे हैं। यही आपका काम है। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप मनोवैज्ञानिक हैं। आपको जो जनता ने काम दिया वो तो आप कर नहीं रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, विद्यालय बना नहीं रहे हैं। और दुनिया कब रहेगी और कब खत्म हो जाएगी ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के बोलने का, अब पहले जब ये बोलते थे तो एक संजीदगी होती थी, आज नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं इसको संजीदगी से आपको लेने की जरूरत नहीं है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार के दौरान का एक वीडियो खूब वायरल हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो बातों को भूल रहे हैं। इसी क्रम में जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार यानी कि प्रशांत किशोर ने नीतीश और तेजस्वी यादव के विकास के दावों की पोल खोलते हुए कहा कि नेताओं से आप अपेक्षा ना करें। नीतीश कुमार को अगर ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि उन पर उम्र का असर हो गया है। पिछले एक साल की उनकी पुरानी स्पीच उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो हर बात को जलेबी की तरह घुमाते रहते हैं। बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। आपने कभी नीतीश कुमार को किसी फैक्ट्री बनाने को लेकर चर्चा करते सुना है क्या? नीतीश कुमार के लिए आज चर्चा का विषय क्या है? उनके लिए आज चर्चा का विषय है कि धरती का नाश होने वाला है। मोबाइल का उपयोग करने से लोग पागल हो रहे हैं, क्या यही नीतीश कुमार का काम है? नीतीश कुमार क्या साइकोलॉजिस्ट है या फिर मनोवैज्ञानिक है? बिहार की जनता ने जो काम नीतीश कुमार को दिया है वो तो ये कर नहीं रहे, बाकी बेकार की चीजों में इनका ध्यान लगा रहता है। दुनिया कितने दिनों तक रहेगी, कब खत्म हो जाएगी, इस पर वो बात करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आप साफ तौर पर सुन पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर आज मुजफ्फरपुर में पदयात्रा कर रहे थे, जिस दरमियान उन्होंने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और उनके याददाश्त पर कटाक्ष किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार को अब काम से मतलब नहीं है, अब वो साइकोलॉजिस्ट अपने आप को समझने लगे हैं जो कि प्रिडिक्ट करते हैं कि दुनिया कब और कैसे खत्म होगी। हालांकि नीतीश कुमार मुद्दे से भटक गए हैं, ऐसा कहना है प्रशांत किशोर का। एक वीडियो वायरल होने के बाद से वो लगातार जो है सियासत जगत में काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। और बता दें कि एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने भी उन्हें निशाने पर लेते हुए याददाश्त कम होने जैसी बात भी कह दी है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।